हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जुनैद और आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ सैमसंग की 2021 की न्यू लाइनअप QLED की। इसका मॉडल नंबर है Q70A, जो कि लेटेस्ट सीरीज़ का मॉडल है। तो अभी हम इसको खोलते हैं और देखते हैं क्या क्या है इस बड़े से बॉक्स के अंदर। ये मॉडल जो है दोस्तों, आपको इजीली चार साइजेस में अवेलेबल है, 55 इंच वेरियंट, 65 इंच वेरियंट, 75 इंच वेरिएंट एंड 85 इंच वेरिएंट। तो चलिए दोस्तों, करते हैं इसको फटाफट से अनबॉक्स, देखते हैं इसके कंटेंट्स। ये डिवाइस iOS, Android और Windows तीनों को सपोर्ट करता है। आप अपने लैपटॉप की स्क्रीन को भी वायरलेसली कास्ट कर सकते हैं TV के साथ में। और ये निकल गया हमारा TV। TV को पहले रखते हैं साइड में और देखते हैं इसके अदर एक्सेसरीज को। जिसमें सबसे पहले हमें मिलता है इसका रिमोट, जो कि देखने में काफ़ी स्लीक और बहुत ही ब्यूटीफुल सा इसका डिज़ाइन है। और डिज़ाइन के साथ साथ बिल्कुल छोटा सा ये रिमोट है, जिसमें बहुत ही कम बटन्स है, जिससे कि आप अपने पूरे TV को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके अंदर एक दिया हुआ है इंटीग्रेटेड माइक बटन, जो कि आपके TV के गूगल असिस्टेंट एंड एलेक्सा और बिक्सबी को कंट्रोल करने के लिए काम में आएगा। साथ में ये वॉल्यूम अप डाउन रॉकर्स और सभी नेविगेशन बटन इसके अंदर दिए हुए हैं। और पीछे से अगर हम इसको देखते हैं तो रिमोट के अंदर एक सोलर सेल लगा हुआ है, जो कि आपके रिमोट को आपकी एम्बिएंट लाइट से और सोलर एनर्जी से भी चार्ज करेगा। और रिमोट के नीचे की तरफ है एक टाइप सी पोर्ट, आप इसको सीधा आपके टाइप सी पोर्ट से भी चार्ज कर सकते हैं। और आगे हम देखते हैं इसमें दिया हुआ है कुछ ऑडियो वीडियो केबल्स। एक हमें मिलती है पावर कॉर्ड आपकी LED के लिए। एंड साथ में इसमें दिया हुआ है डॉक्यूमेंटेशन, कुछ पेपर वर्क्स, यूज़र मैनुअल्स, वारंटी कार्ड, ETC। और ये दिया हुआ छोटा सा एंटीना पिन, जो कि शायद आपके किसी काम नहीं आएगा। अब देख लेते हैं इसके दूसरे अदर कंटेंट्स, जो कि है इसका टेबल टॉप, जो कि काफ़ी हैवी मटेरियल्स का मुझे लग रहा है, उठाने में काफ़ी भारी है। चलिए इसका रैपर उतारते हुए देखते हैं कैसा है। काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का ही मुझे स्टैंड लग रहा है। ये दूसरा इसका कंटेंट देखते हैं, इसका दूसरा जो हिस्सा है टेबल टॉप का, ये भी काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है। और इसके साथ में कुछ लगे हुए हैं स्क्रूज, जो कि इसको कसने में, इसको असेंबल करने के लिए दिए हुए हैं। पीछे हमें दिए हुए हैं कनेक्टिविटी के लिए सारे पोर्ट्स, और सबसे पहले है दो USB पोर्ट, जिसमें से एक है हार्ड डिस्क के लिए, उसके नीचे है HDMI 2.1 पोर्ट, जो कि गेमिंग के लिए आपके काम आएगा, बाकी तीन HDMI पोर्ट और अदर कनेक्शन। चलिए अब इसको फटाफट से करते हैं सेटअप और करते हैं इसको ऑन। अदर स्मार्ट फीचर्स की मैं बात करूँ तो इस TV के अंदर हमें मिलता है सैमसंग का खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि काफ़ी यूनिक है अदर TV से। इसमें हमें इनबिल्ट वायरलेस प्रोटेक्शन भी मिल जाता है, और साथ में हमें मिलता है
मल्टी वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट, जो कि गूगल असिस्टेंट, अलेक्सा और बिक्सबी तीनों आपको इस टीवी के अंदर मिल जाएंगे। आप जिसके साथ भी सूटेबल है आप वो यूज़ कर सकते हैं। साथ में ही हमें स्मार्ट के अंदर सैमसंग के स्मार्ट फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि कुछ और स्मार्ट फीचर्स जो हमें मिलते हैं इसके अंदर वो है मल्टी व्यू का ऑप्शन। आप अपने टीवी के स्क्रीन के अंदर आप अपना टीवी भी देख सकते हैं और साथ में ही आप आधी स्क्रीन में अपने मोबाइल को भी इंजॉय कर सकते हैं। उसी के साथ में मिलता है टैप व्यू, आप अपने मोबाइल को टैप करके टीवी पर डायरेक्टली अपने स्क्रीन को जो है कास्ट कर सकते हैं। साथ में हमें इसमें मिलता है स्मार्ट थिंग्स का सपोर्ट, जो कि आपके मोबाइल फ़ोन से आप अपने टीवी को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये हमने कर लिया इसको टेबल टॉप, इसको करते हैं ऑन, फटाफट से करते हैं क्विकली सेटअप। और अब हम बात करते हैं इसकी डिज़ाइन की, जो कि काफ़ी स्लीक एंड स्लिम डिज़ाइन के साथ आता है। अगर आप देखेंगे तो देखने में काफ़ी स्लिम है, जिसको हम बोलते हैं एयर स्लिम डिज़ाइन के साथ साथ हमें इसमें मिलता है कम्प्लीटली बेजललेस डिज़ाइन। और ये देखिए, ये हो गया हमारा टीवी ऑन और पिक्चर क्वालिटी इसके अंदर बहुत ही अमेजिंग हमें दिख रही। और अब बात कर लेते हैं इसके कुछ फीचर्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इसकी पिक्चर क्वालिटी और इसके पिक्चर से रिलेटेड कुछ फीचर्स की। तो इसमें हमें मिलता है QLED स्क्रीन, क्वांटम डॉट LED स्क्रीन, जो कि हमें प्रोवाइड करता है 100% कलर वॉल्यूम एंड नेचुरल एंड ब्राइट कलर्स। और दूसरा जो इसका यूनिक फीचर है अंदर आता है ड्यूअल LED स्क्रीन, जो कि हमें देता है नेचुरल पिक्चर और लाइफ लाइक कलर्स। और साथ में डार्क और ब्राइट सीन के अंदर हमें बिल्कुल परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिलता है और कंट्रास्ट लेवल जो है टीवी का वो भी काफ़ी बेहतर हो जाता है। और इसमें हमें मिलता है अडेप्टिव पिक्चर टेक्नोलॉजी, जो कि आपके रूम की लाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली टीवी की ब्राइटनेस को कंट्रोल करता है। और साथ में ही टीवी के अंदर दिया हुआ है सैमसंग का एम्बिएंट मोड प्लस, जो कि आपके टीवी को देखने में काफ़ी सुंदर बनाता है। जब आप टीवी को ऑफ़ करते हैं तो आपका टीवी एक ब्लैक बॉक्स की तरह नहीं लुक करेगा, आप उसके अंदर अलग अलग डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, अपना खुद का फ़ोटो फ्रेम लगा सकते हैं। वो काफ़ी सारे इसमें यूनिक पिक्चर्स हैं जिसको कि आप इसके अंदर सेट कर सकते हैं। और साउंड की अगर हम इसमें बात करेंगे तो इसमें हमें मिलता है 20 वॉट का साउंड आउटपुट, वो भी स्पेस फिट साउंड के साथ में, जो कि आपके रूम को कम्प्लीटली फिल करता है साउंड से और आपको एक सिनेमा लाइक इफेक्ट जो है आपको इस टीवी से मिलेगा। और साउंड के अंदर हमें साथ में इसमें मिलता है ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग साउंड, जो कि ऑब्जेक्ट बेस्ड साउंड है। जहां आपके टीवी के अंदर कोई भी सीन है तो जहां से वो सीन कोई ऑब्जेक्ट बोल रहा है वहीं से आपको उसमें साउंड सुनाई देगा। साथ में ही हमें इसमें मिलता है एक्टिव वॉइस एम्पलीफायर, जो कि इंटेलिजेंटली आपके टीवी के साउंड को इनक्रीज़ कर देता है बैकग्राउंड नॉइज़ को डिटेक्ट करके। उसके साथ में हमें यहाँ पर मिलता है PC ऑन टीवी, आप अपने टीवी को एज ए पर्सनल कंप्यूटर की तरह यूज़ कर सकते हैं, उसमें वर्ड, एक्सेल, PPT वगैरह सभी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इन्हीं सभी स्मार्ट फीचर्स के साथ आता है सैमसंग QLED Q70A 2021 2021 लाइनअप। अदर स्पेसिफिकेशन जो है टेक्निकल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। साथ में ही डिस्क्रिप्शन में मैं अपना ईमेल भी दे दूंगा, अगर आप टीवी को परचेज़ करना चाहते हैं तो आप सीधा मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। उसके साथ में ही मैं एक लिंक शेयर कर दूंगा जिससे आप डायरेक्ट परचेज़ भी कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो के अंदर। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और इस टीवी के डिज़ाइन और अदर फीचर्स के बारे में भी आपको अगर कुछ लगता है तो आप प्लीज़ कमेंट करें।